अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? और आज बड़े मज़े की वीडियो है, पूरी देखिएगा एंड तक। लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। और आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे और मैंने उसको घर में सेलिब्रेट किया है। रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर सारी की सारी हैं, केक की, पिज्ज़े की और चिकन स्टिक्स की। तो बस ये तीन चीज़ें मैंने घर पे बनाई थी और ये देखें फाइनल लुक केक की। तो मैंने पिज़्ज़े का जो है, पिज़्ज़े का डो भी मैंने घर पे गूंदा था और सारी चीज़ें मैंने घर पर की थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग देखें, इंजॉयमेंट करें। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज के दिन। और डो गूंदने का तरीका ये था कि मैंने 2 कप मैदा लिया, उसमें 1 अंडा डाल दिया, 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था इसके अंदर ईस्ट। तो ईस्ट मैंने जिस ब्रांड का यूज़ किया है वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। और इसको अच्छे से मैंने गूंद लिया है और अच्छी तरह से इसको मैंने अच्छे से कपड़े से लपेट के माइक्रोवेव या ओवन के अंदर रख लें। और अब मैं बना रही हूँ केक। केक में 3 अंडे डाले थे, 1 कप मैदा एंड 1/2 कप कोको पाउडर और 1 टीस्पून मैंने डाला था बेकिंग पाउडर। तो अंडे 3 बीट कर लिए थे, उसमें 1 कप शुगर और 1 कप ऑयल डाल के मिक्स कर लिया था और वनीला एसेंस डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और बेटर होकर चुका था डन। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए जी गाइस। तो क्या बात करी थी, हाँ मैं ये बात करी थी कि देखिए छोटी छोटी चीज़ों को आप घर पे सेलिब्रेट्स करें, बच्चों की बर्थडे, सबकी बर्थडे, और अच्छी तरह से इंजॉयमेंट करें और इससे बहुत खुशी होती है। और ये मैंने बनाया था मज़ेदार केक और मैंने इसमें और ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला था, सिवाय मैंने इसके अंदर डाले थे, इसमें मैंने अखरोट डाला था खाली, तो वॉलनट्स डाले थे इसके अंदर और मेरे पास टूटे हुए नहीं थे, उसको तोड़ना पड़ा और सब कुछ किया, ये भी सारी मेहनत थी मेरी। और अब बारी आती है पिज़्ज़ा बनाने की। केक बेक होने के लिए रख दिया था, अब मैंने 2 पिज़्ज़े मेरे बन गए थे आराम से और फ्राइज़, सैलड, कोल्ड ड्रिंक्स, बस ये सब कुछ रेडी हो चुका था और बहुत मज़ा आया बर्थडे करके। तो मैंने कहा कि उन्हें एक छोटा सा व्लॉग्स अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ कर लूँ शेयर। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। तो साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियोस देखनी हैं, इन सारी रेसिपी की, तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर जाके देखिएगा। और साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके मुझे बहुत मज़ा आया। और ये स्पेशल ट्रे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, क्योंकि आज जो उनकी बर्थडे का डे था तो उनके लिए मैंने इस तरह की ट्रे सजाई थी। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ आप लोग जो है इसको सेलिब्रेट करें, बेशक घर में करें या बाहर करें। और साथ 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 मैं आप लोगों को बताती चलूँगी कि बताती चलूँगी कि इस वीडियोस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।